पूर्व विधायक एवं कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया ने गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा को लेकर अभद्र टिप्पणी की। कांग्रेस नेता ने कहा था कि गृहमंत्री मिश्रा में यदि हिम्मत है और वह अपने पिता के पुत्र हैं तो दतिया से चुनाव लड़के दिखाएं। पूर्व विधायक के इस बयान के बाद भाजपा उन पर हमलावर हो गई है। भाजपा की महिला नेताओं ने कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया के बयान का विरोध करते हुए उनका पुतला दहन किया। जहां एक ओर बीजेपी महिला मोर्चा ने फूल सिंह बरैया का पुतला जलाया तो वहीं दूसरी ओर भाजपा युवा मोर्चा ने बरैया का पुतला वाहन में रखकर उसे बाजार भर में घुमाते हुए राजगढ़ चौराहे पर उसका दहन किया। बीजेपी महिला मोर्चा ने कहा कि फूल सिंह बरैया ने जिस तरह से अपशब्द बोले हैं उससे नहीं लगता कि वो नेता है। कांग्रेस को भी ऐसे नेताओं को भगा देना चाहिए। फूल सिंह बरैया सिर्फ हाईलाइट होने के लिए अनर्गल वार्तालाप कर समाज में न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं। फूल सिंह बरैया ने अभी कुछ विगत दिनों में भांडर में जो दादा के शब्द दादा के लिए अपशब्द बोले हैं वो बहुत ही निंदनीय हैं, क्योंकि हमारे दादा नरोत्तम दादाजी मध्य प्रदेश में बिल्कुल नंबर वन है। इसलिए सारी कांग्रेस की मानसिकता उनके दादा के विकास को देखते हुए कांग्रेस में खलबली मची हुई है, चुनाव सर पर है, इसलिए उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और अनगरल बयान दे रहे हैं। उन्होंने जो फूल सिंह बरैया का कोई पहली बार नहीं है, पहले भी महिलाओं के खिलाफ भी अपशब्द बोल चुके हैं, सामान्य वर्ग के खिलाफ अपशब्द बोलते हैं, और वो फूल सिंह बरैया बोलता है जो कभी जिंदगी में कभी कोई चुनाव नहीं जीता। उन्होंने हमारे दादा को चैलेंज दिया और उनके मतलब पिताजी के पिताजी तक बोला जी हमारे संस्कार नहीं है भारतीय जनता पार्टी के, कि मैं उन शब्दों को दोहराऊं। मैं उनको चैलेंज करना चाहती हूँ, फूल सिंह बरैया को, अगर आप दादा का मुकाबला तो करना बहुत दूर है, हम महिला मोर्चा का अगर मुकाबला करके बताएं, आज मैं उनको चैलेंज करती हूँ कि यहाँ दतिया में आके अपनी कोई सभा करके बताएं, हम महिला ही उनको यहाँ से खदेड़ देंगे। फूल सिंह बरैया खुद अपनी जो अपने समाज से खुद बहिष्कृत हैं, उनका समाज चुनाव हो या नेता हो, कोई एक समाज से नेता नहीं बनता है। उनके उनके खुद दलित समाज ने उन्हें बहिष्कृत कर दिया है, तो पार्टी छोड़ छोड़ के भागते हैं, कभी अपनी नई पार्टी बनाते, इनको कहीं जगह नहीं है। अब डूबती नैया जो कांग्रेस की डूबती नाव है उसमें सवार होके हम बहनों के खिलाफ और दादा के खिलाफ जो उन्होंने हमने अपनी बहनों के ऊपर जो उन्होंने टिप्पणी की अभद्र उसको सहन कर लिया। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमारे ऐसे दादा जो जिन्होंने दतिया में विकास की गंगा बहाई है उनके खिलाफ जो टिप्पणी की है वो बिल्कुल हम महिला मोर्चा बर्दाश्त नहीं करेंगे और ईंट का जवाब पत्थर से देने की दम रखते हैं हम लोग। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।